हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। जी हां बच्चों, आज हम जानेंगे कि अपने एग्जाम हॉल में नीट का पेपर हम कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार एक ही गलती को रिपीट करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना चाहिए हमारे नीट पेपर को। ठीक है, जानिए जरा आप कि अगर आप नीट में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी रैंकिंग पर। आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो वहां पर नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी गलतियां की होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब एग्जाम हॉल में अपने पेपर सॉल्व करते हैं तो वो एक ही मिस्टेक को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। तो वो क्या क्या गलतियां होती हैं जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, नियरली 90% जो स्टूडेंट करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। चलिए आइए देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए। ठीक है, जरा समझिए, आपके पास टोटल जो टाइमिंग होता है पेपर सॉल्व करने का वो होता है 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए वो कितने हैं? 180। जी हाँ, 180 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 180। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जानते हैं उस क्वेश्चन का आंसर क्या है बट एग्जाम हॉल में गलतियां कर बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं लास्ट क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं पाते, बाद में जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं देखते हैं पलट के, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था इसका आंसर, वो गलतियां कर देते हैं। क्या क्या गलतियां करते हैं मैं आपको बताता हूं, जरा समझिएगा। 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहां पर सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मैं बता देता हूं आपको, जरा समझिएगा। अगर आप फिल करते हैं, ब्लैंक को फिल करते हैं, OMR सीट आपको मिलेगी। यहां पर देखिए ऐसे कुछ OMR सीट होगी, इधर होगा क्वेश्चंस के नंबर दिए रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे 180 तक, और यहां पर ऑप्शन दिए रहेगा और इधर सर्कल। ठीक है, अगर सपोज करिए कि एक सर्कल को आप फिल करने में आपको 5 to 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है, अगर एक सर्कल को, एक क्वेश्चन के एक सर्कल को आपको फिल करने में 5 to 6 सेकंड लग रहा है तो आपको 180 सर्कल फिल करने हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया बच्चों? 900। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 15 मिनट। 15 मिनट आप लगा देंगे सिर्फ सर्कल फिल करने में, बताइए। अगर 15 मिनट में अगर आपने 5 क्वेश्चन भी सॉल्व किए ना तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे नीट में। बच्चों एक नंबर से बता रहा हूं, MBBS में सिलेक्शन रुक जाता है, जो जिसके लिए आपने दिनों रात मेहनत की है वो सीट आपको नहीं मिलती बस एक नंबर से। यहां तो 20 मार्क्स की बात हो रही है। तो कैसे फिल करना है हमें, कैसे सारी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए बच्चों जरा समझिए, जो 180 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो एक्चुअल में 3 टाइप के होंगे आपके लिए। कैसे 3 टाइप के होंगे? कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आप इंस्टेंट दे सकते हो, ठीक है, जिनका आंसर आप इंस्टेंट दे सकते हो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आपने ऑप्शन देखा, तुरंत बता देंगे कि हाँ ये आंसर राइट होगा। दूसरे क्वेश्चन क्या होंगे? आपको आंसर तो पता है लेकिन वो फॉर्मूले बेस्ड है, टाइम टेकिंग है। वो आपको पता है कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप आंसर निकाल लोगे, आपको फॉर्मूले पता है बट वो टाइम टेकिंग है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको नहीं आता, अननोन क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन सबको हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो गोल्डन रूल क्या हो सकता है इन्हें सॉल्व करने का, तो मैं आपको बताता हूं वो गोल्डन रूल क्या है। नेवर फॉलो पैटर्न। जी हां, आपको कभी भी पैटर्न फॉलो नहीं करना है। पैटर्न फॉलो मींस क्या होता है बच्चों? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो पहले नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको फिल करते हैं, फिर नंबर 2 करेंगे, फिर नंबर 3 करेंगे, नंबर 4 करेंगे। अच्छा, नंबर 4 अगर नहीं आता उनको सपोज करिए तो क्या करते हैं, नंबर 5 को पढ़ेंगे भी नहीं। वो नंबर 5 पे अगर सपोज करिए फॉर्मूले बेस्ड है ना तो उस पर टाइम कंज्यूम करते हैं, या नहीं आता तो बैठ के सोचते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आपको करना है। आपको पैटर्न फॉलो नहीं करना, पहले क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को एक सरसरी निगाहों से देखना। सरसरी निगाहों से मतलब क्या? पहले सभी क्वेश्चन को देखना है, 180 क्वेश्चन को पहले देखना है जिसका आंसर डायरेक्ट आपको आता है, इंस्टेंट एक्शन, ठीक है, इंस्टेंट एक्शन लेना है उन पर जिनका डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। बस पढ़ते ही आपने बता दिया कि इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो उसको तुरंत क्या करना है आपको, ऐसे सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट है तो यहां पे OMR सीट पे तुरंत डॉट लगा देना है, पूरा फिल करने मत बैठ जाना तुम,
ठीक है, तुम्हें क्या करना है, डॉट लगा देना है। अच्छा फिर पढ़ते पढ़ते आया, तीसरे का क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता छोड़ देना, कोई बात नहीं। चौथे का क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दिया, कोई बात नहीं। पांचवें का देखो आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है, वहां पर डॉट लगा दिया। बात समझ आई? तो पैटर्न फॉलो नहीं करना है कि मुझे तीसरा नहीं आता, अभी इसको सोचूंगा बैठ के, इसको सॉल्व करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, ये नहीं करना है। हर एक सेकेंड हर एक मिनट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पैटर्न फॉलो नहीं करना है। फिर क्या करना है बच्चों, जरा समझिएगा, ऐसे आप 180 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब 180 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इंस्टेंट वाले, ठीक है, इनके लिए कितना टाइम देंगे देखिए, यहां पर अपने जो 3 hours आपको मिलेंगे, इन्हें 3 parts में डिवाइड कर लेंगे बच्चों, 1 hour के लिए, 1.5 hours के लिए और 30 minutes के लिए, ठीक है। तो जो 1 hour है वो किसके लिए देंगे, इंस्टेंट एक्शन। जी हाँ, जिनका आंसर आपको आता है, पढ़ते ही क्वेश्चन को आपने आंसर बता देना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको 1 hour देना है, ठीक है। जो फॉर्मूले बेस्ड हैं उनके लिए 1.5 hours, कितना 1.5 hours देना है। बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स लगेंगी, ठीक है, उसके थ्रू सॉल्व करेंगे ना, तो इसके आप कितना देंगे, 1.5 hours, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन बचेंगे जिन क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं आते, वहां पे आपको तुक्का मारने की जरूरत है या फिर उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कितना देंगे बच्चों, 30 minutes देंगे आप, ठीक है, 30 minutes देंगे, ठीक है। 30 minutes देने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहां पे 1 hour हो गया, 1.5 hours हो गया, 30 minutes, टोटल कितना आर हो गया, 3 hours। अब जरा समझिए, जब एक बार आप ऐसे फिल कर लेंगे ना, एक बार ऐसे फिल कर लेंगे, तो जब आपने इंस्टेंट वाले कर लिए हैं तो आपको क्या करना है, तुरंत जहां जहां आपने डॉट लगाया उसको क्या करना है, जल्दी जल्दी फिल करना है, जल्दी जल्दी फिल करना है। एक साथ फिल करेंगे ना तो कम टाइम लगेगा। अब पहला क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसको रीड किया, फिर OMR सीट देखी, मैच किया, फिर वहां पर क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो, इसमें टाइम कंज्यूम होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो आपको क्या करना है, एक बार डॉट लगा लेना है पेंसिल से या पेन से, फिर उसके बाद फिल करना है एक साथ ही सबको, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं, तुम्हें टाइम भी देखते रहना है, ठीक है, कि अब पूरा फिल कर लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वन बाय वन, फिर उसके बाद ही सब कुछ कर रहे हैं, फिल करना है, पता चले कि तुमने डॉट तो लगा दिया, लास्ट में फिल नहीं कर पाए, टाइम अप हो गया। तो ऐसा नहीं, पहले आपको जितने आपने इंस्टेंट क्वेश्चन किए हैं उनको फिल करना है, फिर क्या करना है, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको फिल करना है, देन आफ्टर जो अननोन क्वेश्चन है उस पर आपको सोचना है, उस पर तुक्का वगैरह जो भी आप लगा सकते हो लगाना है। तुक्का कैसे लगाना है, आपका तुक्का राइट कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कैसे आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू आप अपने OMR सीट को फिल कर सकते हैं, अपने नीट में हाई मार्क गेन कर सकते हैं। ट्रिक क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए। बहुत सारी 206 बोन की ट्रिक दी है मैंने, ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्रिक दी है, अमाइनो एसिड की ट्रिक दी है, विटामिन की ट्रिक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में सभी की सभी वीडियो पड़ी हुई है। अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो पर आप चाहते हो, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।